ओके, सो कुछ ही दिनों पहले की बात है, YouTube के दो काफी बड़े चैनल ट्रिगर्ड इंसान और अभिषेक और गालिया के बीच वीडियो कॉपी होने को लेकर थोड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ था। काइंड ऑफ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट ये कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं थी, बल्कि ट्रस्ट मी, ये अब तक की वन ऑफ द मोस्ट वियर्ड एंड मोस्ट स्पेशल कंट्रोवर्सी थी, एंड आई हैव अ रीजन फॉर दैट। सी, तुम किसी भी नॉर्मल कंट्रोवर्सी का एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं YouTube वर्सेस TikTok की। उस टाइम कई क्रिएटर्स तो एक दूसरे से लड़ ही रहे थे, बट ऑडियंस उनसे भी आगे थी एंड कंट्रोवर्सी बढ़ती गई। बट सरप्राइजिंगली, इस कंट्रोवर्सी में काफी ऐसे लोग भी थे जो चाह रहे थे कि दोनों की लड़ाई सॉल्व हो जाए। नॉट ऑल ऑफ देम, बट अ लॉट ऑफ देम। एक दूसरे के साथ लड़ाई बढ़ाने की जगह दे वॉन्टेड बात खत्म हो जाए। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा तुम लोग को इसमें? लग रहा है तो सही है, वरना फिर गड़बड़ कहीं और है। ऑडियंस का कंट्रोवर्सी कम करवाना इज नॉट नॉर्मल, एंड हेंस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं गिने चुने लोगों के बारे में जो चाहते थे कि कंट्रोवर्सी ना हो। सो लेट्स लर्न साइकोलॉजी बाय स्ले पॉइंट एंड ट्रिगर्ड इंसान। सेप्टेम्बर 2020, ये वो टाइम था जब मेरा चैनल 800 से 5000 सब्सक्राइबर्स तक गया था इन जस्ट 20 डेज, एंड इसका रीजन था मेरा लिया हुआ 20 डे 20 वीडियो चैलेंज। तारीख थी 14 सितंबर, एंड गेस व्हाट, उस दिन का वीडियो वाज अपलोडेड एट 11:59:45 PM। मैं वो चैलेंज बस 15 सेकंड से हारते हारते बचा था, बट अल्टीमेटली आई डिड इट। सो ये सब मैं इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ, द रीजन इज कि उस दिन जो वीडियो मैंने डाली थी That was kind of not made that well. कुछ editing में कमी रह गई थी, and hence उस video पर एक comment बहुत common था। भाई सच बताऊँ तो सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छा ही बताया होगा, but समझ में नहीं आया। So ऐसे ही हमारे प्यारे नासमझ प्राणियों के लिए इस video में हम इस POX triangle, ये जो सुंदर सा triangle है, इसको use करते हुए audience के इस weird but normal behavior को analyze करेंगे। And trust me, तुम बस इसे एक बार थोड़ा सा समझ लो, and then it's as easy as इट कैन गेट, और फिर तुम ही कहोगे ये क्या बच्चों वाली चीज है। बट बी श्योर, थोड़ा दिमाग तुम्हें भी इन्वेस्ट करना होगा, ये कॉन्सेप्ट कोई थाली में सजाकर परोसने वाला तो है नहीं। सो थोड़ा ध्यान जरूर लगाना, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ ट्रीट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। इस ट्रायंगल को थोड़ा ध्यान से देखो। सो इस ट्रायंगल में तीन कोने हैं, एंड तीनों कोनों में एक एक वर्ड लिखा है, पी ओ एंड एक्स। नॉर्मली पी मतलब फर्स्ट पर्सन, ओ मतलब सेकंड पर्सन, एंड एक्स सिंपली कोई एक टॉपिक है जिसके बारे में पी एंड ओ का कुछ एटीट्यूड या फिर ओपिनियन होने वाला है। इसे तुम ऐसे समझो, पी है तुम्हारे पापा, ओ हो तुम, एंड एक्स है कोई टॉपिक। जैसे यहाँ हम टॉपिक ले लेते हैं लव मैरिज। सो इस एग्जाम्पल में एक्स इज इक्वल टू लव मैरिज, एंड जैसे ही हम इन तीनों को पी ओ और एक्स की जगह रखते हैं, हमें एक इनकम्प्लीट पी ओ एक्स ट्राइंगल मिल जाता है। सो अब चलते हैं अपने स्टेप टू पर, बट तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि अब से मैं वीडियो में पी ओ या एक्स ये कम से कम बोलूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पापा, तुम्हारी एंड लव मैरिज की बात करूंगा, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। सो अब देखो, यहाँ अगर ये तीन चीजें हैं तो ऑफ कोर्स इनका एक दूसरे को लेकर कुछ ना कुछ ओपिनियन जरूर होगा। ओपिनियन छोड़ो, कुछ रिलेशन तो होगा ही। फॉर एग्जांपल, तुम तुम्हारे पापा और अपना ही रिलेशन ले लो, हो सकता है तुम्हारे रिलेशंस काफी अच्छे हो, वो पॉजिटिव हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम दोनों के रिलेशंस सही नहीं है एंड नेगेटिव है। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि पी और ओ यानी तुम्हारे और तुम्हारे पापा के काफी बढ़िया रिलेशन है, वो तुम्हें समझते हैं एंड तुम उन्हें। सो सिंस ये रिलेशन पॉजिटिव है, हम इनके बीच एक प्लस का साइन लगा देंगे। पी ओ रिलेशन अगर नेगेटिव होता तो हम इनके बीच एक माइनस का साइन लगा देते। सिमिलरली लव मैरिज, यानी इस एग्जांपल के टॉपिक को लेकर भी तुम्हारे पापा के कुछ ओपिनियंस तो होंगे ही, मे बी उन्हें लव मैरिज सही लगती हो, बट देयर इज अ हाई चांस ही डजंट अलाउ इट। ऐसे में तुम्हारे पापा और लव मैरिज के बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, बिकॉज His attitude is negative towards it. अब मैं तुम्हारा और लव मैरिज का तो क्या ही बताऊं? Of course positive होगा भाई, शक्ल पर लिखा है तुम्हारे, तो इनके बीच आएगा एक बड़ा सा प्लस साइन। अब अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ गई है, that step one, define P, O and X. Step two, define their relation with each other and उनके बीच एक साइन लगा दो। Then congratulations, तुम्हारी लव मैरिज हो ना हो, लेकिन तुम्हें एक POX triangle बनाना आ गया है। अब बस समझना है हाउ टू यूज इट, और फिर स्ले पॉइंट और ट्रिगर्ड इंसान की कंट्रोवर्सी को भी हम इसी ट्रायंगल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर।
तो देखो, एक बार तुम इन दोनों स्टेप्स को यूज करके ये ट्रायंगल बना लेते हो, उसके बाद की कहानी बहुत ही आसान है। उतनी ही आसान जितना इन ईयरफोन्स को अपनी नॉर्मल शेप में लाना है। नहीं, आई मीन रियली इट्स वेरी इजी। इसके लिए बस तुम्हें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है। जैसे हमने अभी ये ट्रायंगल बनाया था तो हमें इसमें तीन साइन मिले थे। जैसे इस एग्जांपल में ये तीन साइन थे, प्लस, माइनस और प्लस। ऐसे ही कोई भी ट्रायंगल होगा तो उसमें ये तीन साइन जरूर होंगे। मतलब तुम्हें हर POX ट्रायंगल में एक तीन साइन का ग्रुप जरूर मिलेगा। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इन दोनों ग्रुप्स में दो केसेस पॉसिबल हैं। या तो वो ग्रुप इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस होगा या तो वो ग्रुप इन अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस होगा। एंड तुम्हें बस ये समझने की जरूरत है कि जब भी वो ग्रुप एक इम्बैलेंस की स्टेट में होगा, हमें एक मेंटल डिस्कम्फर्ट फील होता है। एंड हेंस The signs tend to go from a state of imbalance to balance. It's that simple. कि जैसे ही तुम एक ट्रायंगल बना लेते हो, उसके साइंस को ऑब्जर्व करो। अगर वो एक बैलेंस की स्टेट में है, then great. But अगर वो एक स्टेट ऑफ imbalance में है, then change होकर रहेगा। Otherwise वहाँ एक mental discomfort, एक uneasiness ही होगी। इसे तुम अपनी प्यार की कहानी से सिंपल वर्ड्स में समझो। अभी के लिए तुम्हारे पापा और तुम्हारा रिश्ता काफी बढ़िया है, बट तुम पड़ गए हो में। एंड अब तुम्हें करनी है लव मैरिज। पर तुम्हारे पापा लव मैरिज का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी कुटाई जरूर कर सकते हैं। तो अब तुम ही बताओ क्या क्या पॉसिबल है। देखो, या तो तुम्हारे पापा लव मैरिज को हाँ कर देंगे एंड तुम्हारी शादी हो जाएगी। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने प्यार को सेक्रीफाइस करोगे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होता है तो वही होगा जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तुम्हारे पापा मानने नहीं वाले हैं एंड तुम्हें तो लव मैरिज ही करनी है, तो एंड में क्या होगा? तुम्हारी कुटाई। एंड ये बात तो थी लॉजिक की, पर POX ट्रायंगल भी एग्जैक्टली यही बताता है। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, बाय द वे, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना अभी के अभी। अब देखो, अभी इसमें तीन साइन है, प्लस, माइनस, प्लस। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो ये एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है। सी चाहे तो तुम इसे कहीं नोट भी कर सकते हो। अगर किसी ग्रुप में माइनस का सिर्फ एक या फिर तीन साइन है, देन वो एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस होगा। इन दोनों ही केसेस को छोड़कर एवरीथिंग इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। अब इस केस में माइनस का सिर्फ एक ही साइन है एंड हेंस इसको स्टेट ऑफ बैलेंस में आना पड़ेगा। पर कैसे? इट्स वेरी सिंपल। या तो तुम्हारी कुटाई के बाद प्यार के चक्कर में तुम अपनी जायदाद से भी हाथ धो बैठोगे एंड हेंस ये प्लस साइन बदलकर माइनस हो जाएगा। या तो तुम्हें अपने प्यार से ज्यादा प्यारी है वो 2 बीघा जमीन, एंड ऐसे में तुम अपने पापा की बात मानकर प्यार छोड़ दोगे एंड हेंस OX एटीट्यूड वाला साइन प्लस से माइनस हो जाएगा। और इन केस तुम्हारे पापा अमरेशपुरी और तुम सिमरन हो तो तुम्हें प्यार और 2 बीघा जमीन दोनों ही मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ में इस ट्रायंगल को एक और प्लस का साइन भी मिल जाएगा। हेंस इस केस में भी ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस ही होगा। बिकॉज तुम्हें चाहिए मैरिज फॉलोड बाय लव, बट पापा को चाहिए लव फॉलोड बाय मैरिज। बट चाहिए तो दोनों को दोनों ही चीज ना, तो दिक्कत कहाँ है? बस एक को प्यार पहले चाहिए तो एक को शादी पहले चाहिए। हद है। सो वॉट एवर, इन तीनों ही केसेस में एक स्टेट ऑफ बैलेंस अचीव हो जाएगा एंड दिस इज हाउ दी POX ट्राइंगल वर्क। अब इसे अप्लाई करते हैं स्ले पॉइंट और ट्रिगर्ड इंसान की कॉन्ट्रोवर्सी पर। सो चलते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, बट उससे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना @CRITIKKK, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहां से भी जा सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो इसे ऐसे देखते हैं, P = स्ले पॉइंट, O = ट्रिगर्ड इंसान एंड X = ऑडियंस। अब ऑडियंस का एक काफी मेजर पोर्शन है जो ये चाहता था कि कंट्रोवर्सी ना हो। Why? इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है। एक काफी बड़ी ऐसी ऑडियंस है जो कि ट्रिगर्ड इंसान को देखती है बट स्ले पॉइंट को भी देखती है। इन सिंपल वर्ड्स वो दोनों को ही देखती है एंड हेंस PX और OX दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद बचता है सिर्फ एक साइन, द साइन बिटवीन P एंड O, दैट इज द साइन बिटवीन स्ले पॉइंट एंड ट्रिगर्ड इंसान। अगर कॉन्ट्रोवर्सी होती तो इनका रिलेशन नेगेटिव होता एंड हेंस इनके बीच में एक नेगेटिव
डेरिवेटिव का साइन आ जाता। ऐसे में ग्रुप बनता प्लस प्लस माइनस। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर सिर्फ एक माइनस का साइन होगा देन इट्स अ स्टेट ऑफ इम्बैलेंस। एंड हेंस ऑडियंस को कुछ डिस्कम्फर्ट फील हुआ, दे फेल्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो चाहते थे ये थर्ड साइन भी प्लस हो जाए। व्हाई? बिकॉज वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस है। अब तुम कहोगे कि कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो चाहते थे ये कॉन्ट्रोवर्सी हो, देन ऐसा क्यों? इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है यार, बिकॉज उन लोगों का रिलेशन दोनों के साथ पॉजिटिव नहीं था। उन्हें या तो ट्रिगर्ड इंसान या फिर स्ले पॉइंट, इन दोनों में से कोई एक ऐसा था जो कि पसंद नहीं था। एंड हेंस इस ट्राइंगल में ऑलरेडी एक माइनस का साइन था, तो ऐसे में ऑफ कोर्स ये एक स्टेट ऑफ इम्बैलेंस होता, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि ये कॉन्ट्रोवर्सी हो एंड ऐसे में दो माइनस के साइन आ जाते एंड फाइनली एक स्टेट ऑफ बैलेंस अचीव हो जाता। अब आई नो वीडियो के इस टॉपिक तक काफी लोगों ने वीडियो ऑलरेडी छोड़ दी होगी, बिकॉज व्हाई नॉट, इतना दिमाग कौन ही लगाएगा। बट अगर तुम अभी तक देख रहे हो देन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज हो चुकी है। अब बस थोड़े खुद के एग्जाम्पल जरूर बनाना ताकि तुम्हें ये काफी अच्छे से आ जाए। एंड अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना आई डिड इट। बाकी वीडियो लाइक जरूर कर देना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।